स्थाई कृषि का आह्वान है किसान का उत्थान। मुस्काते इस आंगन के खातिर किसी ने अपनी उम्र लगाई, खुदरी तपती धरती पर नंगे पांव पड़े फिर भी हिम्मत न डगमगाई। जो धरती की गोद में पसीने के बीज बोता है, जो आपकी थाली में जीवन भर का अन्न रख देता है, वो देश का अभिमान है, वो देश का किसान है। करीब 75 साल पहले एक कारवां चला। किसानों ने अपनी मेहनत व सूझबूझ से खेती की तस्वीर बदली। जहां साधनों की कमी से खेती का पूरा फायदा नहीं मिलता था, आज भारतीय कृषि एक व्यवस्थित और उन्नत उद्यम के रूप में स्थान पाकर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत है। अनुसंधानों एवं प्रयोग के माध्यम से नई तकनीकों के विकास और उनके उपयोग द्वारा किसानों ने सफल कृषि यात्रा को साकार किया है। आइए इस प्रेरणा से भरे सफल अतीत को जीवंत करते हैं। 75 साल पहले हम स्वतंत्रता की खुशियों से झूम रहे थे, वहीं हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व स्वर्णिम भविष्य निर्माण के लिए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर उन्हें कार्यशील करना था। इसमें एक महत्वपूर्ण जरूरत हमारी भोजन की मांग पूरी करना था, जो खेती से ही प्राप्त की जा सकती थी। भरपूर फसल उत्पादन के लिए कृषि आधारित पंचवर्षीय योजना तैयार की गई और हमने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में चलना शुरू कर दिया। इस दौरान प्राप्त अनुभवों से 60 के दशक में लक्ष्य और परिणामों को और अधिक प्रोत्साहन हरित क्रांति के रूप में मिला। 60 से 90 के दशक तक खेती की पारंपरिक विधाओं और नई तकनीकों को अपनाकर किसानों ने खाद्यान्न उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित किए। देश को आत्मनिर्भरता की स्थिति में तो लाए ही, साथ ही एक प्रगतिशील कृषि के लिए महत्वपूर्ण आधार विकसित कर दिए। ICAR एवं राज्य स्तर पर इनकी शाखाओं द्वारा क्षेत्रवार खेती की संभावनाओं के अनुसार बढ़िया किस्म के बीज, यंत्रों और अन्य सहायक विधाओं का विकास और उनमें लगातार सुधार हुआ। इसी दौरान रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से प्रति इकाई अधिक उत्पादन बढ़ा। फसल सुरक्षा उत्पादों के उपयोग से कीट के प्रकोप से होने वाले नुकसान में कमी आई। परिणाम स्वरूप कृषि के विभिन्न आदनों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के युग का शुभारंभ हुआ। इसी के साथ साथ जमीन के सीने से अनाज उत्पन्न करने के लिए मैकेनिकल क्रांति का आगाज हुआ। बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा करने के लिए हमें और गहनता से उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो सतत सिंचाई, उचित पोषण प्रबंधन की ओर भी ध्यान गया। हमने सिंचाई की नई विधियां, भूमि स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने के लिए मृदा परीक्षण, सिंचाई जल परीक्षण आदि का समावेश करते हुए सुखद परिणाम प्राप्त किए। फसल उत्पादन के साथ अन्य सहायक उद्यम जैसे दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, फल और सब्जियों की खेती आदि का विकास बहुत प्रेरणादायक रहा। विभिन्न योजनाओं और सहकारिता उपक्रमों के माध्यम से पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में सुनियोजित तरीके से वृद्धि हुई। डेयरियों के विकास से उनके भंडारण व्यवसाय को गति और आमदनी के लिए एक नए सुदृढ़ क्षेत्र का विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले छोटे बड़े तालाबों में मछली पालन को नियमित रूप से प्रोत्साहित किए जाने से उत्पादन में वृद्धि और सहायक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया गया। 90 के दशक में तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए पीली क्रांति का आगाज हुआ। उन्नत बीज, तकनीक, पोषण व खेती के विस्तार से खाद्य तेल उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। परिणाम स्वरूप हमारे खाद्य तेलों का आयात आधा कम हो गया। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान आदि को बढ़ावा दिया गया। 21वीं सदी के आर्थिक विकास से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की मांग ने भी जोर पकड़ा। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अच्छे बीज और पौधे को बढ़ावा दिया गया और इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। आज हम लगभग सभी भोजन आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर हैं।
इसका पूरा श्रेय खेती और उससे जुड़े सभी उत्पादनों और व्यवसायों को ही जाता है। सफलता की इस यात्रा में कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है। सघन खेती, जैविक पोषण की कमी, अप्राकृतिक विधियों के अधिक चलन ने हमारे खेत की मिट्टी को कमजोर कर दिया है। आइए हम टिकाऊ एवं आधुनिक खेती के संतुलित समावेश से सतत क्रियाशील लाभकारी खेती के लिए नए रास्ते का निर्माण करें। हम जैविक तत्वों को सक्रिय रखने के लिए हरी खाद, गोबर खाद, फसल चक्र और मिश्रित खेती को अपनाएं। रासायनिक उर्वरकों का संतुलित और संयमित उपयोग, सिंचाई का प्रयोग करें, साथ ही संरक्षण करें। पेड़ पौधों पर आधारित सहजीवन की परिकल्पना को फिर से जीवित करना होगा। फसल उत्पादन के साथ साथ सह व्यवसाय जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन और उनके भंडारण, यातायात और विपणन को भी अपनाना होगा, जो हमें आर्थिक रूप से ताकतवर बनाएगा। साथ ही कृषि के प्रति हमारे अभिनव प्रयासों को और ऊंचाइयां मिलेंगी। नियमित कंपोस्ट और गोबर की खाद का प्रयोग, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, फसल चक्र का पालन और समुचित सिंचाई जल उपयोग से मिट्टी की कार्बनिक तत्वों को संरचित रख उसके संरचना को स्वस्थ रखते हुए हम हमेशा अधिक से अधिक उत्पादन ले सकेंगे। 75 सालों का गुजरा ये रास्ता कुछ सवाल या निशान छोड़ गया कि कदाचन खेती बाड़ी के आगामी दिनों में फसल लगाने के लिए जमीन की कमी होगी। संभव है इंसान किसानी करने से कतराएगा, सीमित प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। प्रचलित अनियोजित कृषि प्रणालियों से ज्यादातर भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी आएगी और जल संकट हमारे सामने खड़ा होगा। ऐसे में 2022 से 2047 तक आधुनिक साधनों के साथ साथ सुनियोजित खेती, टिकाऊ खेती, प्रिसिशन फार्मिंग और स्मार्ट फार्मिंग का महत्व और भी बढ़ जाएगा। मृदा संरक्षण, बंजर भूमि, लवणीय व अम्लीय जमीनों के सुधार पर जोर दिया जाएगा। टेरेस फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग जैसे कई और नवीन तरीकों को अगले स्तर पर ले जाया जाएगा। हो सकता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कॉरपोरेट हाउसेस की छतों पर ही खेती की जाए। प्राइवेट और पब्लिक कार्यालयों के कैंपस में मौजूदा जमीन का भी उपयोग किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि हम पानी पर भी खेती कर और आगे बढ़ें। आज बड़े बड़े बुद्धिजीवी, छात्र, उद्यमी और कॉरपोरेट हाउसेस कृषि में अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। नई तकनीकों का आगमन देखने को मिलेगा। अत्यधिक शहरीकरण के चलते हम अपनी कृषि को ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर मानवीय हस्तक्षेप कम करते हुए एक बड़े व्यवस्थित और लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित कर सकेंगे। स्मार्ट ग्रीन हाउस का प्रचलन बढ़ेगा। कृषि में ड्रोन और रोबोट्स का उपयोग भी देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फार्मिंग मशीन्स जैसे ऑटोमेटिक सीड ड्रिल, ऑटोमेटिक सिंचाई तकनीक, ऑटोमेटिक कंबाइन और थ्रेशर्स खेती की दिशा और दशा बदल देंगे। किसान अपने घर बैठे मोबाइल से ही पूरी खेती का रखरखाव और संचालन करने में सक्षम बन सकेगा। भविष्य में खेत सिर्फ खेत न रहकर उत्पादन यूनिट में तब्दील हो जाएंगे। अनाज उगाने के साथ साथ उस अनाज की प्रोसेसिंग का दौर भी बढ़ेगा। खेत पर ही एक प्लांट लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को सीधा बाजार में उतार सकेगा, जिससे किसान की आमदनी बढ़ेगी और उत्कृष्ट उत्पाद सहज दामों में मिल सकेंगे। किसान बड़े बड़े कॉरपोरेट ब्रांड्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हो सकता है सामूहिक खेती का महत्व बढ़ जाएगा। पूरा का पूरा गांव मिलकर कॉरपोरेट ब्रांड्स के लिए काम करे। कई गांवों के लिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं। संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि रचनात्मक और जवां सोच आने वाली कृषि का पथ प्रदर्शित करेगी। ऐसे डिजिटल यंत्र बनाए जाएंगे जिसको खेत में लगाने मात्र से कीड़े खेत में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे ऐसे डिवाइस उपलब्ध होंगे जो किसान को आगामी मौसमी आपदा,
पौधों को होने वाली बीमारियों या किसी अन्य प्राकृतिक बदलाव के बारे में मोबाइल एप्स के माध्यम से सचेत कर सकेंगे और उससे निपटने के लिए सही सुझाव देने में सक्षम होंगे। एक भविष्य गण के अनुसार पानी के लिए अगला विश्व युद्ध होने की संभावना है, इसलिए जल की खपत को कम करने के लिए रिमोट सेंसिंग और मृदा सेंसर की मदद से ये जाना जा सकेगा कि फसल को पानी लगाने की जरूरत है भी या नहीं। इसी प्रकार ड्रिप इरिगेशन और सोलर पंप्स का प्रचलन भी जल के उपयोग को नियंत्रित करेंगी। जल संकट से निपटने के लिए हम क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश करने की तकनीक पर अनुशीलन करेंगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस और उपज का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों पर हो रहे अनुसंधान रोज बढ़ती हुई बीजों की उत्पादक क्षमता, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई मांग, उन्नत तकनीकें, बेहतर लाभकारी योजनाएं और कुशल प्रबंधन प्रणालियों से आज भारतीय कृषि शीर्ष पर स्थापित होने जा रही है। और अगर इसी रफ्तार से भविष्य की कहानी हम लिखते रहे तो भारतीय कृषि विश्व पटल पर कामयाबी के ध्वज लहराएगी। किसान को कृषि की पारंपरिक विधाओं के साथ कुछ नवीन उपायों को अपनाकर देश को पोषित करते हुए उन्नति के पथ पर निरंतर चलते रहना होगा। समान और विकास के 5 मंत्र। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और जय सहकार। हमारी युवा पीढ़ी से आह्वान है कि कृषि क्षेत्र में अनगिनत व्यावसायिक संभावनाएं हैं, बस जरूरत है इसे अपनाने की, उम्मीद का एक नव अंकुर लगाने की, भूमि के तन से प्रगति के रत्नों को जोतने की, आशा का एक कदम बढ़ाने की और कृषि में उज्जवल भविष्य बनाने की। धरती माँ है, विश्वास जगाओ, एक बीज लगाओ और अनेक उगाओ।